हाँ भाई, क्या चल रहा भाई? सब कंटेंट ही कंटेंट चल रहा। मुनव्वर फारूकी मतलब ही कंटेंट होता है, एक्चुअली मीनिंग कुछ और होता है, वो किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा। बट अभी असली मीनिंग कंटेंट ही है क्योंकि आज बहुत कुछ हुआ है। मैं जेन्युइनली तुम पूरी दिन की कहानी बताऊंगा अपने स्टाइल में, क्योंकि मेरे साथ ही हुआ है। तो पहले तो मैं सुबह उठ गया 7:30 बजे, कल मैं 12 बजे सो गया। भाई साहब, 17-18 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं रात में सोता ही नहीं, हॉस्पिटल में तो मैं 3 दिन नहीं सोया, आखिरी दिन सोया था बस। अब मैं घर पे आके सो रहा हूँ 12 बजे फ्लैट। फिर मैं सुबह उठा, मैं आया अपने रूम में, क्योंकि आजकल यहाँ पे गर्मी बहुत है तो मम्मी पापा के साथ सो रहे हैं, गंदा मत समझना, ठर किया। बट मैं आया, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, देखा क्या चल रहा है इंटरनेट पे, तो मुझे बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। क्यों तुम पूछोगे? तो मेरे को मिला ट्विटर पे एक चीज, जहाँ पे दिलजीत पाच, यार कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई है इसकी, मेरे को लग रहा है ऐसा। पता है क्या, कल भी ऐसे था ना, ये अटक अटक के आ रहा है, तो अगर किसी को आंसर पता तो वो बता देना प्लीज। हाँ, रिक्वेस्ट है मेरे। तो दिलजीत पाच जिमी फैलन के शो पे आने वाले थे, ऐसी खबर मिली थी, ये मैंने बताया था तुम्हें। तो अब उसका प्रोमो आ गया है, जहाँ पे जिमी फैलन के लिए पंजाबी में अमरीका जाके दिलजीत पाच पंजाबी सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। माइकल जैक्सन, हू द फक इज माइकल जैक्सन? माइकल जैक्सन के फैंस ऑफेंड होते हैं, होने दो। दिलजीत पाच रॉक्स, रॉक्स भाई। गुरदास मान के बाद दिलजीत बाजी लौटा, जिसने फैमिली स्टेडियम बेची है टिकट वाइज। तुम समझ रहे हो, पंजाब, मैं हूँ पंजाब। भाई साहब, मैंने जब ये सुना ना, उसके बाद ही मैं जाके फिर से अमर सिंह चमकीला डाउनलोड किया, मैं ये देखेंगे आज, आज तो मैं मडगांव एक्सप्रेस देखूंगा फिर से, मस्त फिल्म है। तो मैंने देखा, मैं कहा सेव करो इसे, इसे सेव करो। फिर लाइट चली गई तो मैंने बंद कर दिया, मैं बंद कर दूँ, बाद में आके देखेंगे जब लाइट आ जाएगी। फिर मैं आया वापस, और फिर मेरे को कल पता चला था ये, जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी थी, कि एक ECL करके इवेंट अनाउंस हुआ है, जिसमें एल्विश और मुनव्वर दोनों साथ साथ खेलने वाले हैं, फीलिंग के साथ नहीं, क्रिकेट क्रिकेट खेलने वाले हैं। मैं कहा कौन है ऑर्गेनाइजर? कौन चाहता है कंट्रोवर्सी कराना इंटरनेट पे? किसका करियर डाउन चल रहा है मेरे अलावा? और किसके पास ये इवल थॉट आया कि इन दोनों की जिंदगी में तूफान लाते हैं? अरे तूफान चाहिए होगा, सरवाना पी लेंगे वो लोग। लास्ट टाइम गले लगाया था तब बवाल हो गया, अब तुम साथ में फिर से खिला रहे हो, और वहां पे तो सचिन पाजी थे बचाने के लिए, यहाँ पे फिर से। मैं कहा रिपीट टेलीकास्ट नहीं देखना मुझे। बट फिर भी मेरे को खुशी हुई कि चलो इतना कुछ हुआ, इन सबसे ओवरकम करके दोनों फिर भी एग्री किए इस इवेंट के लिए कि एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी लीक करेंगे। और इंडिया में किसको क्रिकेट पसंद नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा उन सबने बोला है जो स्टेज पे गए हैं। बात तो सही है। तो हरियाणा के हंटर्स करके टीम है, जिसके कैप्टन है एल्विश भाई, और पता नहीं कौन सी टीम है, बट डोंगरी का मुन्ना ऐसा करके पोस्टर आया, जिसमें है मुनव्वर कैप्टन। इसके अलावा अभिषेक मल्हन भी कैप्टन है बैंगलोर टीम के। फिर मेरे को सुनने आया रजत दलाल भी कैप्टन है, हर्ष बेनीवाल भी कैप्टन है, अरमान मलिक भी कैप्टन है। मैं कहा वो दो जगह से कैप्टनसी कर सकते हैं क्या? तभी चैनल नहीं चलता मेरा, अमेरिका का दलाल बहन। मैं कहा डन है, मैं कहा कॉन्टेंट के नाम पे हो गया, ये दोनों टॉपिक मिल गए, बाकी न्यूज में देख लेंगे। और मेरे में चला गया अपना दवाई ववाई खा के फिल्में देखने फैमिली के साथ, क्योंकि वहां पे ठंडा रहता है, यहाँ पे गर्म रहता है। समझ में आया? समझ में आया ना? डन। फिर मैं वापिस आया, फिर मेरे को पता नहीं था ये कि जो चीज मेरे को सुबह पता चली है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा वो मुझे रोस्ट कॉन्टेस्ट ज्यादा लग रहा था, क्योंकि मुनव्वर एल्विश के साथ बैठ गया, उस पर ड्रामा हो गया, क्योंकि वो फोटोज आई, वो उसकी क्लिपिंग आई, लोग शुरू हो गए रेंडम सेना को टैग करना, लव यू एल्विश भाई, लव यू मुनव्वर भाई। मैं कहा ये सब बंद करो, मेरे को उसका रिएक्शन देखना जब आएगा। और फन स्टोरी एकदम अभी अभी आया, एकदम अभी अभी उनो रिवर्स कार्ड खेल लिया उसने, आऊंगा एंड में सबसे। पहले मुनव्वर ने फुकरा इंसान को रोस्ट कर दिया या ट्रोल कर दिया मजाक मजाक में, कि हम सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। अभिषेक तू क्या करते जिंदगी में? हम कॉम्पिटिटर्स नहीं, बहुत डिफरेंट ऑडियंस को कैटर करते हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। डेली व्लॉग्स बनाना इट्स नॉट इजी जॉब, लोगों को स्टेज पे आना नॉट इजी जॉब, फुकरा यार करता है। मेगा एक मिनट, ये बदला निकाला ना तूने, ये बदला निकाला ना तूने, वो जो उसने ऐड करने के लिए प्रमोशन करने के लिए जिसके तूने भी पैसे खाए थे, बस वो कह के चला गया था, तेरे को मौका नहीं मिला बोलने का।
तू पेल गया उसको, वो भी स्टेज पे। तुझे मालूम है मुनव्वर की जनता कितनी हरामी है, तुम सबको मालूम है हम कितने हरामी है। सबने क्लिपिंग काट ली, सबने। और इकलौती इस जगह पे क्लिपिंग नहीं कटी, दूसरी जगह पे क्लिपिंग कटी है, क्योंकि अभिषेक हेड कर रहा है, कैप्टन कर रहा है बैंगलोर टीम को। तो उसमें मुनव्वर ने कहा ये आईपीएल में आज भी नहीं जीती है, बैंगलोर भी जीती है, अंडरस्टैंड। वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है। अभिषेक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि ईसीएल में वोटिंग किया तो इस बार हम जीत ही जाएंगे। क्या बात है साले, वो जो वो क्या वो अलग सी इमोजी नहीं आती, वो डार्क ह्यूमर इमोजी, वो पेल रहे। बट इसके बाद अभिषेक मल्हन ने कहा ये बात कि यहाँ पे पब्लिक वोटिंग नहीं है तो जीतने के चांसेस ज्यादा है। मैं कहा वो ज्यादा सेवेज रिप्लाई था बेस में, तो तुम क्या काट रहे हो, तुम ऐसा कैसे काट सकते हो, ये तो तुम गलत कर रहे हो यार। मुझे लगता है अब नागिन हंडा को और डायन खान को हमने बेफालतू में झाड़ा है, क्योंकि तुमने एडिट्स वैसे बनाई होगी, बट शो तो मैंने भी देखा था। मैं क्या बोलूं, सही करा था वो तो तुमने, सही। जनता माफ नहीं करेगी। ये तो अभिषेक के साथ मुनव्वर कर रहा था, चलो भाईचारा है, भाईचारा ऑन द टॉप, डन, इट्स ओके। अभी इन दोनों का भाईचारा चल रहा है, कोई बात नहीं, साइड कर दो। अब आते हैं एलविज भाई। एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है? हाँ, मैं और मीडिया। मीडिया मुनव्वर से सवाल करती है कि आपके पास अचीवमेंट है कि आपने सचिन पाजी का विकेट लिया, तो उस पे मुनव्वर जवाब देता है एलविश नाम पे भी अचीवमेंट है। हाँ, एलविश ने भी मेरा विकेट लिया था। बट एलविश के नाम पे एक और अचीवमेंट है, सबसे ज्यादा गेंदे फेंकने का उस दिन। One last question for Elvish, अगर आपकी टीम जीते एक मैच तो सेलिब्रेशन में नागिन डांस होगा या फिर आप नाचेंगे क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी के? मैं आपके साथ नाचूंगा जिस पे भी नाचूंगा, अगर आप साथ में नाचोगे। अब ये तो इंटरव्यू के कुछ फन पार्ट्स थे। कुछ लोग ना जो गले मिला था, ये जिससे रैंडम सेना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि हिंदू मुस्लिम गले कैसे मिल गए, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है हरामी। बट ये पांचवी बार गले मिला तो उसमें लोग कहने लग गए रैंडम सेना को ट्रोल करते हुए, भाई ये तो पांचवी बार हो गया, भाई मैं तो ना सहता, भाई मैं भी नहीं सहता, मैं भी नहीं, आप कैसे सह रहे हो बताओ जरा हमको। तो उसमें भाई ने रिएक्ट किया, मुनव्वर एक कट्टर मुस्लिम है, तुम्हें पता है हिपोक्रेसी का अगर फेस ना हो तो वो कैसी दिखेगी, इसकी बातों जैसी। उन्होंने रिवर्स कट, बहुत लॉजिकल दिमाग पेला है। बहन जो धिक्कार है तू, सच में गाली निकली मेरे से अभी तेरे चक्कर में, धिक्कार है तू बिहारी के नाम पे, सच बोल रहा हूं मैं। उन्होंने रिवर्स खेलेगा, जा मोनोपोली खेल, तू उसमें ही जीतेगा, वो भी जब तू इंटरनेट ऑफ करके खेलेगा, इंटरनेट ऑन करके खेलेगा, उसमें भी हराऊंगा साले तेरे को मैं। तू कट्टर हिंदू, तेरे को मुस्लिम से प्रॉब्लम क्या है? और कहां पे, कौन सी जगह पे तेरे को मुनव्वर कट्टर मुस्लिम लगा है? उसने कभी भी लव जिहाद की बात नहीं करी, और जो जो करता है वो जोक्स होते हैं, फिक्शन, वो तेरी समझ में नहीं आएगी, तू देखना मत कभी भी। डार्क कॉमेडी, समय रहने से दूर रखना इसको, वरना इसका भरोसा उड़ जाएगा इंसानियत से। मेरे को समय रहना की क्लिप मिली, देखो देखो देखो, इतना मास्टरबेट करता है ये आदमी, चेस देखना दो दिन बाद ऐसे खेलेगा, पॉन घोड़ा। समय भाई आठवीं क्लास के बैक बेंच पे होने वाली चीजों के बारे में बात करता है, कहता है मैं डार्क कॉमेडियन हूँ। समय की कॉमेडी डार्क है तो एनिमल महात्मा गांधी की फेवरेट पिक्चर है। आपने देखा समय कितना गोरा है? समय इतना गोरा है कि सफेद कपड़े पहनकर वो कॉन्डम दिखता है। और उसके बाद सबसे न्यूट्रल डाउन टू अर्थ हम्बल इंसान है वो बंदा, ठीक है तुम्हारी नफरत के चलते थोड़ा फंस गया, बट उसके बावजूद तुमने जितना गिराना चाहा वो उतना ही आगे बढ़ के शाइन कर रहा है। पर तू आज बोल रहा था कट्टर मुस्लिम है क्योंकि तेरे पास एल्विश को बोलने के लिए कुछ नहीं, कल तक तू उसे चाइल्ड रेपिस्ट तक बोल रहा था, आज भाई बन गया फिर से तेरा, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ हो या मेंटालिटी के साथ हो तुम? एल्विश ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट बुल्ला लोगों को पिलाई के लिए जाना जाता है। मैं कहा एक मिनट, तेरी कौन सी पिलाई पे, तुझे तो आता जाता कोई भी पेल के जाता है। चला एल्विश के फैंस ने कुछ बोलना शुरू किया, तेरा इतनी बवाल होगी तो उसकी माँ पे पहुंच गया। और आज जहाँ पे तुम सबको मालूम है कि मुनव्वर की मम्मी पापा दोनों नहीं है दुनिया में, तू उसकी माँ के बारे में ऐसी बातें लिख रहा है? तेरे खुद के घर में माँ बहन नहीं है क्या? शर्म खा रहा है तू, साले धिक्कार है तुझ पे। तेरे तू ना पहले तो हिंदू कार्ड खेलना छोड़ दे, तू धब्बा है हिंदुइज्म पे, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। एक लाइन है, पैसों के लिए अपनी अम्मी को भी हलाल करवा सकते हैं, सेम चीज इसने एल्विश के लिए बोली, और इसके लिए बाद इसने माफी भी मांगी है। एल्विश ने चलो माना कि ठीक है हो गया, अगर ऐसा है तो मैं ऐसे लाखों मुनव्वर कुर्बान है। भाई तेरा क्या स्टैंड है? उसका चलो एक स्टैंड है, मुनव्वर का एक स्टैंड है, और दोनों एक ही चीज
एक ही जगह एक साथ बैठ के बोल रहे हैं कि प्यार मोहब्बत बांटो, शांति बांटो, एक भाईचारा बांटो। तू तो हमेशा बंटवाने के चक्कर में है साले, तेरे जैसे लोगों के चक्कर में ही पार्टीशन हुआ है। तेरे जैसे लोग ही चाहते थे ब्रिटिश राज जो इंडिया में क्रिएट हो, जिससे रूल एंड डिवाइड बहुत ईजी हो जाए। यही करते रहो, बने रहो एक्सट्रीमिस्ट, और तुम्हें भी किसी दिन कोई ना कोई थनकेगी किसी की, और तुम भी पेले जाओगे। जैसे आज तुम कोशिश कर रहे हो ना सबको पेलने की, तुम भी पेलोगे। What goes around comes around. Karma is a bitch. Always remember that. और तुम जाके देखोगे ना इसके कमेंट पे, बिग ब्रेन, अबे रोना बंद कर। अरे इसे चाहिए एंगेजमेंट, वरना ब्लू टिक क्यों खरीदा इसने? भाई वो होली भी मनाता है, वो ईद भी मनाता है, वो दिवाली भी मनाता है, और क्या होता है जो भी होता है, लोहड़ी भी मनाता होगा वो क्रिसमस भी मनाता है। और फेस्टिवल इंडिया की पहचान है, सेक्युलरिज्म की पहचान है ये सब, जहाँ पे हम डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं और साथ रहते हैं, वो हमें एक नेशन बनाता है। तुमने देखा होगा ये बात, बहुत सारे लोग ना एक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, वन नेशन वन पार्टी वन इलेक्शन समथिंग लाइक दैट, बट कोई ये सपोर्ट नहीं करता वन नेशन वन पार्टी वन इलेक्शन वन कास्ट। वन रिलीजन की बात करो, वन कास्ट करो बात, अब करो इक्वालिटी की बात। तुम सब साइड में, सब साइड, क्योंकि इन सबको चाहिए पिरामिड। क्यों चाहिए पिरामिड? पिरामिड के टॉप पे बैठना है सबको, और नीचे जो बैठे थे दबे थे वहीं पे रखना है इनको। ये किसी का भला नहीं चाहते, ये अपना भला खत्म ना हो उसी पे रहना चाहते हैं। सबको पढ़ने आगे बढ़ने का इक्वल मौका मिलना चाहिए, मैं आज भी इसमें मानता हूँ। भाईचारा कल भी था, भाईचारा आज भी, तुम जितना जहर मिला लो इसमें, हम वो चीनी है जो मिलके इसको शरबत बना के रहेंगे, चाहे आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ट्रू स्टोरी, लीव अ लाइट ऑन अ पॉजिटिव नोट। हाँ, बाकी किस तारीख आ रही है, मेरी अभी से पटना शुरू हो गई है क्योंकि हॉस्पिटल जाना है। अरे मेरे को दो वीडियो बनानी थी यार, बट वो बैटरी का सीन हो गया, मैं बताऊंगा कल, बताता हूँ। मैं बताने वाला आज ही था, बट फिर मैं कर आर रू ना हो जाएगा, और फिर मेरे को इस पर अभी अभी मिला, मैं झाड़ दिया, ठीक है। सो अगर एंजॉय किया हो तो लाइक कर देना, लाइक करना, लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लाइक नहीं कर रहे, प्लस मैं चार दिन गायब था तो पूरी एंगेजमेंट डेड हो गई अपनी, ठीक है। सो मुनव्वर की जनता, वंस मोर लेट्स डू इट वन मोर टाइम, एक बार ECL आ जाए सर, पूरा टेलीकास्ट कवर किया जाएगा इस चैनल पे, कुछ नहीं छूटेगा मुनव्वर से रिलेटेड, कुछ भी नहीं। चलो पीस आउट।